आपकी ये बातचीत से दो मुद्दे सामने आए हैं जो बहुत अहम है। एक तो आपने कहा कि बहुत सारे लोगों को शर्म होती है कि हम ये काम कैसे करें, और आपने वो शर्म नहीं रखी, आपने रसवंती चलाई, आपने कैंटीन चलाया। तो आज के बच्चों को आप क्या मार्गदर्शन करेंगे इस बारे में, ये पहला मुद्दा। और दूसरी बात, आपने कहा कि आपने तय किया था कि आप घर गृहस्थी के लिए कभी भी काम नहीं करेंगे, लेकिन आज के अगर समाज में हम देखें तो जो लड़का काम नहीं करता है उसे कोई भी माँ बाप लड़की शादी के लिए देना नहीं चाहते। तो ये कहाँ तक प्रैक्टिकल हो पाता है लोगों के लिए, ये भी हमें बताइए। ये दूसरी बात से मैं उल्टी शुरुआत करता हूं। पहली बात तो यह थी कि मेरे जीवन में मुझे शादी नहीं करनी थी, क्योंकि पहले जो कुछ मेरे जीवन में हुआ, अभी वो प्यार था नहीं था, इन्फेचुएशन था, कल्पना थी, प्लेटोनिक लव था, क्या था मैं उसका कोई वर्णन नहीं कर सकता हूं। बाद में जिंदगी में मैंने प्रेम इस विषय पर काफी अभ्यास किया, काफी रिसर्च पढ़े, लेकिन फिर भी मैं जवाब कभी ढूंढ नहीं पाया। ये था क्या, एग्जैक्टली था क्या? बोले तो केवल कल्पना थी, लेकिन कल्पना थी तो 12 साल लग गए जिंदगी में भूलने के लिए, तो ऐसा क्यों हुआ? ये बात तो मेरे समझ में कभी नहीं आई। तो जो कुछ भी था, तो मेरे जीवन में मैंने शादी न करने का तय किया था, इसलिए वो जिम्मेदारी तो मुझे उठानी नहीं। दूसरी बात क्या थी कि मैं जिस ढंग के एक सामाजिक मूवमेंट में काम कर रहा था, उस मूवमेंट में काफी लोग ऐसे थे कि जिनमें बीबी घर में काम, यानी बीबी बाहर में नौकरी करते थे और पति काम न करते हुए और सामाजिक पति काम काम ना करता करते था। हो? अच्छा जी, ऐसा ऐसे काफी जोड़े मैंने देखे थे, और उल्टा वाइस वर्सा भी देखे थे कि पति काम कर रहा है, नौकरी कर रहा है, पैसे कमाई कर रहा है, और पत्नी और सामाजिक काम पत्नी कर रही जो है। है सामाजिक कार्य। हाँ, तो इसलिए मेरे जीवन में यही था कि अगर मैं कभी जिंदगी में अगर शादी करूंगा, शादी करने का तो कोई विचार था ही नहीं मन में, अगर शादी करूंगा भी तो पत्नी कमाई करेगी, घर गृहस्थी संभालेंगी, और मैं तो अपने पेट के लिए कभी भी कमा सकता हूँ, वो तो मेरे सामने कभी प्रॉब्लम था ही नहीं, पहले से ही था नहीं। यानी मैं अपनी पढ़ाई भी मैंने अपने बलबूते पर की है, डिबेटिंग में जो पैसा मिलता था उसके आधार पर, और काका जी मुझे कुछ पैसे देते थे उनके ट्रस्ट की ओर से, वो दोनों के भरोसे मैंने अपनी पढ़ाई पूरी की है। माँ कभी कभी थोड़े से पैसे जेब में से निकाल कर देती थी, तो ये तो मेरे लिए आत्मविश्वास की बात थी कि मैं चाहे तब पैसे कमा सकता हूँ, तो इसलिए वो सवाल नहीं था। तो इसलिए मन में घर गृहस्थी और फिर मुझे शादी करनी है, फिर मेरी जिम्मेदारी है, मुझे घर चलाना है, ये कभी दिमाग में था ही नहीं। उस ढंग से घर मुझे कभी चलाना ही नहीं था, उस ढंग की गृहस्थी कभी मेरे जीवन में करनी ही नहीं थी। अब रहा सवाल, पहला सवाल आपने जो पूछा है इसमें का, उसका शर्म, कभी शर्म आने का सवाल, मैं महात्मा गांधी जी को बहुत मानता था। महात्मा गांधी जी का जेल में जब था, शायद गांधी जी कभी मैं इतना नहीं पढ़ता अगर जेल में नहीं होता तो। जेल में 10 महीने तक था, 10 महीने कोई काम ही नहीं थे, कंपलसरी करीबन 17-18 घंटे हमको चार का एक एक छोटी सी 10 बाय 10 के रूम में रहना पड़ता था। ये 10 बाय 10 के रूम में रहने के लिए आपको 18 घंटे आप बंद हो, 3 मित्र है, एक दूसरे से बोल बोल के कितना बोलेंगे, जितना बोलना था 1 महीने में खत्म हो गया होगा सर, रोज रोज क्या सही बोलेंगे। बात है। तो नेचुरली बहुत पढ़ते थे, और वहां के लाइब्रेरी में विनोबा और गांधी की बहुत किताबें उपलब्ध थी, मैंने गांधी बहुत पढ़ा था। यानी उसके पहले मुझे काफी गांधी मालूम था, लेकिन इतना डेप्थ में जाकर पढ़ने का अवसर मिला। तो गांधी ने तो हमेशा हर काम की प्रतिष्ठा की बात कही है, कोई भी काम कम प्रतिष्ठा का नहीं होता है, उल्टा सफाई का काम सबसे ज्यादा प्रतिष्ठा का होता है, और वो खुद सफाई से शुरुआत करते थे, सबको सफाई में इन्वॉल्व करते थे। तो ये बात तो पहले ही दिमाग में से निकाल गई थी, और जो थोड़ा बहुत बचा था, जैसे मैं कॉलेज का हीरो था और हम प्याज बेच रहे थे, तो पहले थोड़ी शर्म लगती थी क्योंकि गांव की सभी लड़कियां हमारे कॉलेज में होती थी, 2200 लड़कियां थी हमारे कॉलेज में, 2200 लड़कियां और 600-700 लड़के, इस ढंग का हमारा कॉलेज था, यशवंत आर्ट्स कॉलेज। तो ये लड़कियां तो घर घर की थी, हमारे कॉलेज में होम साइंस भी था। अब ये सब लड़कियां प्याज लेने को आती थी, और केवल हम बेच रहे हैं इसलिए ज्यादा प्याज लेकर जाती थी। तो तब अच्छा हमारे ध्यान में आया कि हम प्याज बेच रहे हैं, बहुत हल्का काम कर रहे हैं, ऐसा कुछ लोगों को लग सकता है, लेकिन इससे हमारी प्रतिष्ठा बढ़ी नहीं, उल्टी प्याज की प्रतिष्ठा बढ़ गई। जो लोग 1 किलो प्याज लेते थे, वो हम बोलते थे कि ज्यादा मत लो, इसको स्प्राउट आ रहे, खराब हो जाएंगे, हम 5 किलो के ऊपर नहीं देंगे, 5 किलो ही देंगे, उससे ज्यादा नहीं देंगे, फिर आपको फेंकना पड़ेगा, तो आप फेंकने के बजाय कम लेके जाओ। यानी ये सिचुएशन थी, और हमने 2 दिन में 2 ट्रक प्याज बेच दिए। 2 ट्रक प्याज बेचना इतनी आसान बात नहीं है, आसान तो बात नहीं इतना है, सही बड़ा बात काम है। हम कर पाए।
तो तब मुझे पहली बार महसूस हुआ, यानी एक्चुअल महसूस हुआ, मैं जब रास्ते में ठाणा के रास्ते में मैं चीजें बेचता था, वहां प्रतिष्ठा का तो कोई सवाल नहीं था, उनके लिए मैं कौन था, जैसे बाकी फेरे वाले वैसा मैं एक फेरे वाला। मैं जब घर घर में जाकर ये सब चीजें बेचता था डेटोलैक्स इंडस्ट्री के, तब भी ये सवाल नहीं था, लेकिन यहाँ पर मुझे लोग जानते थे, कॉलेज का हीरो कर कर जानते थे, और वह सही में चार नाटक में मैं हीरो था कॉलेज का। तो नेचुरली उन्होंने कभी मुझे अप्रतिष्ठा से नहीं देखा, उल्टा ये आदमी ये काम कर रहा है, इसका उनको ज्यादा, यानी उनको इसकी ज्यादा तारीफ करने की इच्छा लगा, होती थी। तारीफ करने की हाँ, इच्छा अचरज हुई, भी लगता था, केवल अचरज तक बात नहीं, तारीफ करते थे कि आप प्याज तारीफ बेच भी रहे हैं, करते थे आपको जी। कुछ कमी नहीं महसूस होती इसमें, मतलब तो मेरे घर के प्याज है, रास्ते में फेंकने से मैं आपसे आपको बेचने के लिए आया, मेरे पिताजी का खर्चा निकल जाएगा तो उतना ही उनका नुकसान बचेगा। तो उसमें से मुझे एक बहुत अच्छी प्रेरणा मिले कि कोई भी काम हम करते हैं वो काम कम दर्जे का नहीं होता है, कौन काम करता है इसको ज्यादा महत्व मिलता है। तो इसलिए सही उसने बात है, उसमें काम में से अपनी अप्रतिष्ठा होने का कोई सवाल नहीं है, उल्टी काम की प्रतिष्ठा बढ़ने का उसमें से सवाल खड़ा होता है, अगर आपकी प्रतिष्ठा अच्छी है तो। तो इसलिए मुझे कभी आगे शर्म नहीं लगी, इसलिए मैं आगे जो भी काम करते गया, जैसा रसवंती किया तब मुझे कोई शर्म नहीं आती थी, मेरी रसवंती बहुत फेमस थी यवतमाल, रसवंती वाला मुझे कहते थे, भोजनालय वाला कहते थे, क्योंकि भोजनालय भी मैं चलाता था, तो मुझे कोई शर्म नहीं आती थी। बहुत बड़े बड़े लोग मेरे यहाँ आते थे, बड़े इससे आते थे, बड़े रिस्पेक्ट के साथ में मेरे साथ व्यवहार करते थे। तो ये पहले मुझे अच्छा नाम मिला और उसके बाद में ये काम मेरे साथ में आते गए, जुड़ते गए, इसलिए काम से प्रतिष्ठा बढ़ती है, कम नहीं होती है, ये तो पहले ही दिमाग में फिट हो गया था, इसलिए मुझे आगे किसी काम की कमी महसूस नहीं। मैं बहुत बड़ा वक्ता था, मेरे नाम से एक एक साल पहले लोग बुक करते थे, पहले समय तय होता था कि रात को बराबर 8 बजे प्रोग्राम की शुरुआत करना है, मैं कॉलेज का किसी प्रोग्राम खत्म कर उस गांव में पहुंचता था, एसटी से, एसटी के अलावा दूसरा कोई मेरे पास रास्ता नहीं था उन दिनों में। पहुंचने के बाद मैं जाकर पहुंचता हूं तो वहां पर लाउड स्पीकर लगा है, सतरंजियों की थप्पियां लगी हैं और कुछ भी तैयारी नहीं, तो जाते ही मैं सतरंजी बिछाना शुरू कर देता था, लोग दौड़कर आते थे, कौन है भाई, छोटे गांव का एक अच्छा होता है कि कोई सब लोग मदद के लिए आते हैं, कौन हो तुम, जब उनको पता चलता था कि मैं ही वक्ता हूं तो फिर दौड़ धूप होती थी, यानी सतरंजी बिछाना, मैं बिछा रहा हूं तो पूरा गांव बिछाना शुरू कर देता था, फटाफट काम होता था, झट से काम शुरू हो जाता था, यानी झट से व्याख्यान शुरू हो जाता था, फिर जो डांटना है उनको, उनको जो कहना है वो बाद में मैं कहता था। तो ये मेरा एटीट्यूड हमेशा का रहा है किसी काम में, यानी ये काम कम प्रतिष्ठा का है, ये तो पहले विचार के स्तर पर नहीं था, बाद में वो आचार के स्तर पर भी आ गया। हालांकि मुझ पर बचपन से संस्कार थोड़े उल्टे थे, एक थोड़े जमींदारी संस्कार थे, लेकिन बाद में वो सब मैं बहुत अच्छे ढंग से निकाल पाया।